नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजेंद्र गोयल। दोस्तों, आज मैं आपको जिन महिलाओं के डिलीवरी के बाद उनके स्तन में बेबी को पिलाने के लिए दूध नहीं आता है या बिल्कुल भी कम आता है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव सिंगल रेमेडी यानी कि दवाई बताऊंगा जो आपको 1 वीक के अंदर दोस्तों 100% बेबी को पिलाने के लिए उनके स्तन से दूध आएगा। अगर महिलाएं अपनी बेबी को दूध अगर तरीके से पिलाती हैं तो भी दोस्तों दूध आना, मदर के स्तन से मिल्क आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा मदर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और जिन महिलाओं के स्तन में दूध नहीं आता है तो 100% आता है। और मैंने मेरी प्रैक्टिस में आफ्टर डिलीवरी जिन महिलाओं के बेबी को पिलाने के लिए प्रॉपर फीडिंग नहीं हो रही थी, मैंने उसको दिया और 100% रिजल्ट मिले। तो साथियों, इस वीडियो का लाभ आप भी ले सकते हैं, तो आप अंत तक मेरी वीडियो में बने रहें। तो गाइज, डिलीवरी के 2-3 दिन बाद तक दूध नहीं आता है, उनके ब्रेस्ट से एक पीले रंग का पानी निकलता है जिसे कोलोस्ट्रम बोला जाता है। दोस्तों, कोलोस्ट्रम ये उनके होने वाली बेबी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कोलोस्ट्रम जब बेबी पीता है तो उसकी वजह से बेबी के अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति आती है, इसलिए उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है और उसको पिलाना भी जरूरी होता है। और जो बेबी होता है अपनी माँ के स्तन से जब वो टच होता है तो उसकी वजह से उसके ब्रेन में का मैसेज आता है, और उस मैसेज की वजह से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसके द्वारा बेबी की प्रॉपर फीडिंग आने लगती है। इसलिए नवजात बेबी को अपनी माँ के पास रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि माँ और बेबी की टच की वजह से उसकी ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ती है। ये भी एक सिस्टम स्किन टू स्किन स्पर्श की वजह से भी उसका मिल्क बढ़ता है, ऐसा देखा जाता है। और कई बार महिलाएं क्या करती हैं, ब्रेस्ट पंप की वजह से दूध निकाल के बेबी को पिला देते हैं और माँ और बेबी के बीच में दूरियां बना देते हैं। जैसे ही थोड़ा बेबी रोने लगता है तो उसको दूध निकाल के और उसको पिला दिया जाता है, तो इस प्रकार से उसको दूर रखने की वजह से दूध बहुत कम आने लगता है। मुख्य बात है दोस्तों, जो महिलाएं लगातार बेबी को स्तनपान कराती हैं 1 ईयर तक, तो उनके जो स्तन कैंसर का जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हाँ, अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुआ है, बहुत ज़्यादा वीक पैदा हुआ है, तो उस बेबी को आप ब्रेस्ट पंप की सहायता से दूध निकाल के पिला सकते हैं। ब्रेस्ट पंप से निकाला हुआ दूध 24 घंटे तक खराब नहीं होता है, उसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसको वापस नॉर्मल टेम्परेचर में ला के आपको यूज़ करना है। जिन महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा दूध आता है तो उसको ब्रेस्ट पंप की सहायता से उसे बाहर निकाल दें, अन्यथा उनके ब्रेस्ट के अंदर बहुत जल्दी इन्फेक्शन डेवलप होता है। तो दोस्तों, जो आज की जो मुख्य बात है, दूध नहीं आना या कम आना या बिल्कुल भी नहीं आना, दोस्तों ऐसी कंडीशन में मैं होम्योपैथी के अंदर बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आती है, बहुत ही अद्भुत रेमेडी है। तो दोस्तों, जिन महिलाओं के अंदर आफ्टर डिलीवरी अगर उनके स्तन से दूध नहीं आता है तो उन महिलाओं को मैंने हमेशा इस रेमेडी का यूज़ किया और उनको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आप भी इस रेमेडी को होम्योपैथी शॉप से लाके खरीद के उन्हें पिला सकते हैं। तो गाइस, इस रेमेडी का नाम है रिसिनस कम्युनिस। दोस्तों, ये रेमेडी इस प्रकार की आपको फाइल मिलेगी जिसकी मैं आप ये पिक्चर लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, ये होम्योपैथी शॉप पे आपको मिल जाएगी। और लाके इसको जो महिला है जिसकी डिलीवरी हुई है, जिस महिला को स्तन में दूध नहीं आ रहा है, उसे ज़रूर पिलाना है। आपको कैसे पिलाना है, तो आप मेरे हाथ में जैसे ये रेमेडी है और इसका डायरेक्ट आप कैप खोल दें इसको, और इसे आपको सीधा 2 बूंद इसे जीभ पे टपकाना है। ऐसा लगभग आप दोस्तों 7 डेज तक उस महिला को पिलाएं। दोस्तों 100% दूध आता है, मैंने हमेशा, मेरा ये प्रैक्टिकली मेरा ये क्लिनिकल अनुभव है, हमेशा इस मेडिसिन का यूज़ किया, पेशेंट्स को दिया और हमेशा रिजल्ट मिले। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो आप मेरे को तुरंत कमेंट करें, मैं आपको तुरंत मेडिसिन लिख के भेजूंगा, क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है और इस रेमेडी को आप जरूर यूज करें। ये रेमेडी आपको होम्योपैथी शॉप पे मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।